तो मनीष जी, दिल्ली में आपकी सरकार, पंजाब में आपकी सरकार, अब आप हरियाणा में भी आप दावा कर रहे हैं, तो हरियाणा में कितनी संभावनाएं? हरियाणा में पूरी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि हरियाणा के लोग दिल्ली और पंजाब से खूब ताल्लुक रखते हैं। बहुत सारे लोग नौकरियां करने आते हैं, इधर से उधर जाते हैं, और उन्होंने देखा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को जब लोगों ने मौका दिया तो किस तरह से यहाँ के स्कूल बदले, अस्पताल बदले, यहाँ के लोगों के बिजली के बिल जीरो आए हैं, नौकरियां लगी हैं। ये सारी चीज़ें हरियाणा के लोगों ने खुद देखा है जी। और यही चीज़ें अब उन्होंने देखा कि चलो एक राज्य में हो सकता था, उनके दूसरे बाजू में पंजाब में सरकार है, पंजाब में भी सरकार बन गई और वो भी ऐसे ही कर रही है, वहाँ भी सरकारी स्कूल अच्छे होने लगे, वहाँ भी प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी जा रही, वहाँ भी अब अस्पताल अच्छे होने लगे, नौकरियों पर नौकरियाँ दिए जा रहे हैं मान साहब। तो ये उनको भी लग रहा है, हरियाणा के लोगों को भी, कि ये राज्य सरकार कर सकती है अगर केजरीवाल जी के गाइडेंस में चले तो। तो हरियाणा में किससे लड़ाई आप मानते हैं अपनी? हरियाणा में अभी किसी से लड़ाई नहीं है, बस ये जो मुद्दा है ना कि सरकार तो बनाएंगे लेकिन स्कूल नहीं बनवाएंगे, सरकार तो बनाएंगे लेकिन अस्पताल नहीं बनवाएंगे, इस राजनीति से लड़ाई है हमारी। और ये राजनीति अक्रॉस चल रही है, तो हमारी लड़ाई तो इस बात से, जनता इसको देख रही है जी। लेकिन मनीष भाई ये बताइए कि गठबंधन की बात चल रही थी आपकी कांग्रेस से, क्योंकि खैर अब तो नामांकन भी खत्म हो गए, लेकिन देश भी ये जानना चाहता है कि बात क्यों नहीं बनी, क्योंकि आप लोग गठबंधन की बात कर रहे थे। देखिए, बात बनने नहीं बनने का मसला नहीं है, बात यह है कि हरियाणा में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से सरकार चली है, लोगों ने मौका दिया, उन्होंने ना शिक्षा पे काम किया, ना स्वास्थ्य पे, नौकरियों पे, महंगाई करते रहे और लड़ाते रहे लोगों को, फिर भी लोगों ने 5 साल बाद फिर से मौका दिया कि चलो कुछ और देखते हैं। 10 साल में जितना धोखा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, अभी हरियाणा के जनमानस में एकदम गुस्सा है बीजेपी के प्रति कि इनको हटाना है। अब इनको हटाने के लिए जब हमने वहां देखा तो हमें लगा कि अगर मिलके भी हटाने की जरूरत है तो मिलके हटा सकते हैं, पर कोशिश की गई, उसके लिए जेन्युइन कोशिश की गई, नई बात बनी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के हर एक विधानसभा में हमारा संगठन है। मैं सब ये जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ने बड़ा दिल नहीं दिखाया? नहीं, बड़ा दिल और छोटा दिल अब किसी का नहीं है, बस बात नहीं बनी। हम लोग दिल दिल है, दिल है, बड़ा या छोटा कुछ नहीं, दिल तो दिल ही होता है, बड़ा छोटा नहीं होता है। लेकिन हमारा मकसद कांग्रेस से गठबंधन करना या इससे गठबंधन करना उससे नहीं है, हमारा मकसद एक ही है कि भाई दिल्ली के लोगों ने हमें मौका दिया, वहाँ पे ऐसे काम हुए, पंजाब के लोगों ने मौका दिया, वहाँ पे ऐसे काम हुए, आज हरियाणा के भी लोग हमें मौका देंगे और उसी तरह के उसी तर्ज पर काम होंगे जैसे यहाँ पे हुए, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, नौकरियों को लेके, महिलाओं को लेके, बिजली को लेके, केजरीवाल जी की जो 5 गारंटियाँ हैं उसको लेके हम पहले से, ये गठबंधन की बातें तो अभी हुई, उसको लेके हम पहले से जा रहे थे लोगों के बीच और बहुत अच्छे से लोगों को लग रहा है कि यार आप लोग करके दिखा सकते हो। लेकिन मनीष जी, आपको ये नहीं लगता कि आप भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, तो जो वोट है वो वोट कटेंगे, यानी बीजेपी को भी फायदा नहीं मिलेगा परोक्ष रूप से इसका? देखिए, जब भी कोई पार्टी नई पैर जमाती है तो हमेशा उसके ऊपर ये तोहमत लगती है, हम दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे हमको यही कहा गया, हम पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे हमको यही कहा गया। तो ठीक है, हम इस तोहमत के बावजूद चुनाव लड़ रहे हैं और देखिएगा लोग इस तोहमत के बावजूद सरकार बनवाएंगे आम आदमी पार्टी की। दावा करें आप सरकार बनाने का? बनवाएंगे लोग, यही देखिए दिल्ली में भी इसी आश्चर्य से लोग कहते थे, दावा कर रहे हैं आप दिल्ली में सरकार बना लेंगे, सरकार बनी, आप दावा कर रहे हैं पंजाब में सरकार बना लेंगे, पंजाब में सरकार बनी और शानदार चल रही है और कर रही है। हम ये सरकार बनाने के दावे से ऊपर उठ के कर रहे हैं, हम 5 साल हरियाणा में खूब स्कूल बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, ये केजरीवाल जी की गारंटियां हैं, केजरीवाल जी की, ये हमने दी इसलिए क्योंकि हरियाणा में एक माहौल है। लेकिन मनीष जी, ये भी कहा गया कि जिस तरह से अभी पिछले दौर में जो जेल यात्राएं हुई आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की, उसके बाद हरियाणा में जिस तरह से आप लोग अपना संगठन खड़ा करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, अरविंद केजरीवाल जी जिनके चेहरे का बहुत बड़ा फायदा आपको हरियाणा में हो सकता था, वो भी जेल में है। देखिए, केजरीवाल जी भी अब जेल में नहीं है, मान के चले आने वाले हैं। और कब तक आने वाले हैं? कुछ घंटे बाकी हैं, कुछ घंटे का या कुछ मिनट बाकी हैं? कुछ मिनट कुछ घंटे का मसला है, आपकी ये वाली जो लाइन है बदल जाएगी, अब जेल में है। हरियाणा में जिस तरह से लोग, मैं जा रहा हूं, अब मैं भी खुद भी गया हूं पिछले दिनों में, मैं देख रहा हूं कि हर जगह अब ये सेंटीमेंट है कि यार ये लोग ना दिल्ली में काम कर रहे थे इसलिए इनको जेल में डाला, ये लोग काम करते हैं, गलत कर रहे थे इनके साथ। तो बीजेपी के प्रति जो हरियाणा में कुशासन का गुस्सा है, साथ साथ केजरीवाल जी को, क्योंकि केजरीवाल जी हरियाणा के बेटे हैं, हरियाणा के लाल उनको कहते हैं, वो हरियाणा वाले लोग एक अलग इमोशनल कनेक्ट उनके साथ में महसूस करते हैं, वो भी लोगों में गुस्सा है कि यार हरियाणा के एक लड़का जाके दिल्ली में सीएम बना, काम कर रहा था, उसको उठा के जेल में डाल दिया बीजेपी वालों ने, इसको लेके उनके मन में और गुस्सा है बीजेपी के प्रति। तो आप तो ये कह रहे हैं कि
देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल और केजरीवाल भी हरियाणा में, केजरीवाल भी हरियाणा के लाल हैं। और हरियाणा देखिए, उन्होंने जो किया बाकी लोगों ने उनका हरियाणा के लोगों को पता है, साथ साथ लोगों को ये भी पता है कि यार ये लड़का दिल्ली में गया था, आईआईटी गया, आईआरएस बना, वो ठीक है, बहुत लोग अलग हर आईआरएस आईएएस कहीं ना कहीं से होता है, लेकिन दिल्ली में आके जिस तरह से लोगों के काम किए, अब लोगों को लग रहा है ये आदमी तो अगर हमारे पंजाब में करना शुरू कर दिया उनकी नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में, उनकी गाइडेंस में, तो उनको लग रहा है इसकी गाइडेंस अगर हमारी सरकारों को मिलेगी तो क्या होगा। ABP News आपको रखे आगे।